इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच दूसरा दिन खत्म हुआ है और जो ठुकाई की है ना इंग्लैंड की इंडिया ने, मतलब जो छनकना और जो घंटा एक साथ अलहदा अलहदा नहीं एक साथ जो बजाया है ना आज पकड़ के, एक और दिन एक और कमाल किस्म की शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। यार उस दिन कमेंट्स में कोई लिखता है भाई आप क्रिटिसाइज भी करते हो टीम इंडिया को, अरे भाई मौका कब देते हैं क्रिटिसाइज करने का, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और जब अपोजिशन इनके सामने आती है वो इतनी गंदी परफॉर्मेंस दिखाती है, बंदा क्या क्या यार, व्हाट अ मैजिकल परफॉर्मेंस टुडे यार। आप जज्बा दिन 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, मजा आएगा, एक्साइटिंग सीरीज होगी और कुछ इधर से हमला होगा कुछ उधर से थोड़ा सा वार होगा, तो जरा मजेदार क्रैकिंग, वाह वाह वाह। लेकिन भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ, कुछ भी नहीं निकला और ऐसा महसूस हो रहा है कि वन वे ट्रैफिक ही रहेगा थ्रू आउट द सीरीज। इंग्लिश मीडिया इंग्लैंड की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। जी हाँ, इंग्लिश मीडिया इंग्लैंड की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है क्योंकि दो दिन के अंदर जो आज के दिन इंग्लैंड के साथ हुआ, चले कल तो फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी, आज के दिन तो बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया इनकी बॉलिंग को इंडिया के बल्लेबाजों ने, पहले जयसवाल फिर राहुल और जडेजा। अब इंग्लिश मीडिया ये कहता है कि अगर उनके हर बल्लेबाज ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है इन्होंने बड़ी गंदी बैटिंग की है। बात तो सही है, जडेजा ने, केएल राहुल ने, इंडिया ने, इंग्लैंड का बेटा, इंग्लैंड की बेस बॉल ठुकी है उधर ही। और ये बात आपको मैं लिख के देता हूं, इंग्लैंड वाले आज रात सोएंगे नहीं, बेन स्टोक्स आज रात सोएगा नहीं, क्योंकि भाई मैं जानता हूं ये बात, जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक दिन में पिंडी में 600 मारा था ना, जब हमारा घंटा बजाया था ना पिंडी में पाकिस्तान का इंग्लैंड ने, बेटा तब हम भी नहीं थे सोए। अच्छा मैजिकल परफॉर्मेंस टुडे यार, आप जासवाल से ही स्टार्ट कर लो, वो जो कल जासवाल ने इंपैक्ट दिखाया था ना वो आज तो चलो उम्मीद थी कि लंच तक सो कर देगा, नहीं कर पाया, बट वो जो 80 रन्स ऑन द टॉप थे उस दिलेरी से थे, उसने नीचे बता दिया भाई जान इन ये डरपोक इंग्लैंड वाला है, ये इनएक्सपीरियंस है, इनकी लाइन और लेंथ नहीं है, इनको काबू किया जा सकता है, इनको डराया जा सकता है, इनको नानी याद कराई जा सकती है। वो जासवाल ने एक मैसेज दे दिया, जब ऊपर से जासवाल ने ठोका सही करके इंग्लैंड के बॉलर्स को ना, तो फिर नीचे केएल राहुल बेचारा अब क्या करता, नीचे जडेजा क्या करता, अक्षर पटेल क्या करता, वो तो सारे एक्सपीरियंस है। मजा जो है वो सिर्फ यही आ रहा है कि हाँ बैस बॉल लेट टू रेस्ट और दो ही दिन में बिल्कुल हवा निकल गई है गुब्बारे से, तो एक्साइटिंग है ये, क्योंकि जब आप डोमिनेंस भी दिखाते हैं इट इज एक्साइटिंग टू। आई रिमेंबर ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ लेट 90s अर्ली 2000। जी हाँ, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पे, इसीलिए क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि एटलीस्ट एक दो तो इंडिया के ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिनको आप जीरो के ऊपर आउट कर देते या कम स्कोर के ऊपर आउट कर देते, आपने तो सबके खिलाफ जैसे कहते हैं सबके अगेंस्ट रन खा लिए, तो इसमें बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। इंग्लैंड की बॉलिंग को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इंग्लैंड की बैटिंग टेक्निक, कोहली पोप हो गए, जैक क्रोली हो गए, बड़े जैसे कहते हैं ना फ्लॉप शो चल रहे थे, इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये तो होगा, लेकिन अभी तो शुरुआत, अभी तो 5 मैचेस की कहानी पड़ी हुई है। आज इंडिया ने कर दिया ना इंग्लैंड के साथ, रविंद्र जडेजा ने जो बैटिंग की है, अभी जो रविंद्र जडेजा की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग पे इस टाइम, और जडेजा की बात की जा रही है ना, क्योंकि रविंद्र जडेजा भाई वो कभी भी आपको मायूस नहीं करता, कभी भी उस बंदे ने मायूस नहीं किया, वो रन भी करता है, वो विकेट्स भी लेता है, वो फील्डर, मतलब मुझे बता दो वर्ल्ड बेस्ट फील्डर्स की बात की जाए सबसे पहले किसका नाम आता है, रविंद्र जडेजा की। वह जासवाल ने ऊपर से मैसेज कर दिया भाई जान इनको इस तरह से लपेटना है, और फिर चलो आज तो नहीं बना पाया जासवाल, बट जो लपेटा है फिर केएल राहुल ने वो बहुत मुश्किल कंडीशन में, यार बहुत मुश्किल कंडीशन में केएल राहुल ने जो बारी खेली है, साथ वो जो शुभमन गिल पुजारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम सरप्राइज यार, ये क्या बंदा है यार, तू अच्छा भला नंबर वन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तेरी परफॉर्मेंसेज आई थी, सीरीज में जीते थे, गाबा में तूने किस नंबर पर बैटिंग की थी, तेरी टेस्ट मैचेस में अच्छी भली परफॉर्मेंसेज आ रही है भाई, तूने क्यों ओपन वाला झंझुला लिया है, ओपन से और ऊपर से तुझे इनसिक्योरिटी भी हुई है, शुभमन गिल और ईशान किशन नो डाउट बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बट इनकी जो इनसिक्योरिटीज हैं ना, इनसिक्योरिटीज की वजह से अपनी गेम खराब कर गई है। कमाल है यार, मैच शुरू होने से पहले ही पता होता था भाई ये तो बस कोई किस्मत अच्छी होगी अगर किसी की कोई जीत जाए, वरना मैच तो ही नहीं गई एग्जैक्टली, शायद उससे भी भड़के, उससे भी नेक्स्ट लेवल। इंडिया में जब मैच होता है तो आप हिसाब लगा लें 45 मैचेस में से 3 हारे हैं तो क्या परसेंटेज बनती है, आगे जाके पता नहीं क्या से क्या होगा। अब इंग्लैंड को अगले 3 दिन भी बर्दाश्त करने और पूरी सीरीज को भी बर्दाश्त करना, लेकिन अगर बात करें आज के दिन की रिव्यू की, तो आज का तो दिन पूरी तरह से इंडिया के नाम पर है।
आप ये देखिए पूरा दिन इंडिया ने बल्लेबाजी की और उसी पिच के ऊपर बल्लेबाजी की है जिस पिच के ऊपर इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा था। तो मजे की चीज ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड कल आते साथ ही इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि जो बल्लेबाज खेल रहे हैं इनका रिकॉर्ड स्पेशली इंडिया के अंदर बड़ा खतरनाक है। ये फेमस है, मैं तो पिछले 2 महीने से ये बोलता आ रहा हूँ कि इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है अश्विन, अक्षय पटेल और जडेजा के लिए, क्योंकि बॉलिंग भी शानदार करते हैं और बल्लेबाजी भी शानदार करते हैं। और ऑलराउंडर्स की बात की जाए किसका नाम आता है, जडेजा का। ऑफ स्पिनर की बात की जाए किसका नाम आता है, जडेजा का। भाई वो 3D प्लेयर है, टॉप बेस्ट प्लेयर है वो, भाई लेजेंड है वो, लेजेंड है आप गेम का, क्योंकि उस बंदे ने ये चीजें करके दी है ना, ऑन द डे वो परफॉर्म करता है। अब हमारे वो घंटू की तरह तो नहीं ना कि ना बॉलिंग आती है, ना बैटिंग आती है, ना फील्डिंग आती है, सिर्फ फुदड़बाजी आती है और वो ये लोग कर रहे हैं। अब इंडिया को देख लो, आज 421 भाई उन्होंने ठोक दिया है 100। बहरहाल इतने मुबारक दिन पे तो आज बात ही करते हैं दोनों के, छोड़ो दफा करो। उम्मीद है अगले मैच में एक बड़ी बारी तो आने वाली है, अगर समझ जाए सुमन गिल तो एक बड़ी बारी आएगी। बड़ी बारी दूर नहीं है भाई जान, टैलेंटेड प्लेयर है, नेचुरल है, सब कुछ है उसके पास, अटैकिंग अप्रोच है, बड़ी बारी खेल सकता है, पुजारा नहीं है वो, जो है वो बनने की कोशिश करें। आप जब अपने शहर से निकलते हो, विराट कोहली ने भी क्या किया था कि यार मेरी फॉर्म नहीं थी तो मैं चार्ज करने पे लगा था, फिर मुझे रियलाइज हुआ चार्ज करना तो मेरी है ही नहीं स्ट्रेंथ, स्टार्टिंग में तो मैं चार्ज। तो उतनी ही परसेंटेज विजिटिंग साइड की किसी भी टीम की बनती है जितनी के 45 मैचेस के बाद 3 मैच हारने वाली टीम की बनती है। मैथमेटिक्स मेरा जरा कमजोर है, आप लोग जरा थोड़ा हिसाब किताब करके अंदाजा लगा लीजिए। तो उतने ही चांस है क्या कि आप इंडिया में जीतेंगे, पिछले 10-11 साल में 45-46 मैच जो खेला इंडिया 3 मैच हार, उतनी ही चांस है। हालांकि हमने अक्षर पटेल और जडेजा जिस तरीके से खेल रहे, जिस तरीके से आज के दिन अक्षर पटेल ने खत्म किया, तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि अक्षर पटेल जो है तेज खेलेंगे और वो भी काबिलियत रखते हैं 80-90 करने की, और जडेजा जो है वो सेंचुरी के करीब जा रहे हैं। तो कम से कम भी मुझे ना इंडिया आराम से, ये दोनों हल्का सा भी खड़े हो गए, इंडिया ने थोड़ा सा भी खेल लिया तो इंडिया मुझे 500 करता दिख रहा है, और 500 जब वो कर जाएगा तो पीछे जो लीड होगी वो 250 की हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि इंडिया यहां से कैसे टैकल करता है और इंग्लैंड कैसे वापसी करता है। आज का दिन पूरा 75 की लीड ले गए हैं वो, और इंडिया इस टाइम अपर हैंड पे है, इंग्लैंड वाले ठुक गए हैं और डंडा दे दिया इंग्लैंड के अंदर, डंडा दे दिया, डंडा ये डंडा नहीं है, कितना बड़ा है ये, पूरा पूरा घुसा दिया बेन स्टोक्स के अंदर पूरा, ये जो बातें कर रहे थे ना आज नहीं करता। फिर विराट कोहली ने अपनी नेचुरल गेम आ गई भाईजान, हाँ यार 2-4 बॉलें लेनी है देखने, जो विराट कोहली का गेम है फिर आप कवर अप कर लेते हो उसको। बट अनफॉर्चुनेटली सुमन गिल सारा मोमेंटम खराब कर रहा था, इस सुमन गिल की इनिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ केएल राहुल मुश्किल परिस्थितियों में आया है। हिंदी का बड़ा मुश्किल वर्ड मैंने यूज किया और प्रॉपर मेरी जुबान से निकल गया। केएल राहुल की इस मुश्किल जो है ना कंडीशन की वजह से, गिल का आउट हो जाना और पीछे से नीचे से केएस भारत कभी कुछ इतना ना समझ जाना, फिर शरेश आयर का दोनों पे पता था यार इतना कॉन्फिडेंस नहीं जताते, उस एंगल से बहुत कमाल की बारी खेली है केएल राहुल ने। ऑल्दो 100 नहीं कर पाया बट वो थोड़ी सी जो लालच दिखाई टुवर्ड्स हैंड, फेवरेट तो इंडिया ही था विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट, बट थोड़ा सा हमने हम चाह रहे थे या हमने जिस तरह बेसबॉल को खेलते हुए देखा थोड़ा था कि शायद के कुछ अच्छा परफॉर्म करें, बट नो दिस इज नॉट द केस। और बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक ऐसे मुक्के मारे हैं बेसबॉल को कि अब वो बस एक किनारे में मदहोश होके, बेहोश होके, बल्कि गिरने वाला है और ऐसा नॉकआउट होने वाला है कि आप इंडिया के नाम हुआ राहुल को मैं चाहता था कि सेंचुरी करे, मैं तो जायसवाल को भी चाहता था सेंचुरी करे, दोनों ने बड़ी अच्छी शानदार बल्लेबाजी की, अब वो दोनों आउट हो गए जल्दबाजी के चक्कर में। अब मैं चाहूंगा कि जडेजा को तो एटलीस्ट सेंचुरी करनी चाहिए क्योंकि वेल डिजर्विंग जिसे कहते हैं ना 100 होगा, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। दूसरी तरफ बात करें इंग्लैंड की बॉलिंग की तो बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं यार, आप देखें कि आपके पास अगर स्पिनर्स ना हो खड़े हो गए हम वो इंग्लैंड इंडिया को जी हराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बेटा इधर आपकी बेसबॉल का रेस्ट इन पीस होने वाला है, इधर आपकी बेसबॉल का घंटा बजने वाला है। 22 तो गया है क्योंकि इंडिया ने कल एक बार बैटिंग करनी है सिर्फ, इंडिया 175 की लीड तो ले गया, अभी इंडिया क्या करेगा खाल बेटा, कुछ और रन करे ना वो भाई केएल राहुल को ले डूबी। थोड़ा सा मैं देख रहा हूं जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स में आ रहे हैं, जैसे देखो हार्दिक पांड्या जिस तरह से जिम जुम में सारा कुछ कर रहा है बट इधर वो 5 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं कर रहा, केएल राहुल ने जिस तरह से शॉट खेल दी, गिल का जो हाल हुआ, वो इंडियन प्लेयर्स को देखना यार अपना किबला दुरुस्त करना है। बहरहाल यार केएल राहुल ने अच्छी बारी खेली, वो शॉट मारने से पहले केएल राहुल का माल था, केएल राहुल इज आउटस्टैंडिंग और उससे नीचे केएस भारत में इतने अगले 4 मुकाबलों में भी उठने की उम्मीद और तवक्को नहीं है इंडिया का। अगर आप देखें यूजुअली दे आर अ बिट स्लो स्टार्टर, बीच बीच में कोई एक आधा मैच हारते हैं, ये जो 3 मैच हारे हैं घर में तो सिर्फ ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे पिछले साल की सीरीज का, वो आई थिंक सीरीज के बीच वाला मैच था, और ऑस्ट्रेलिया से जो पहले एक पुणे में हारे थे, आप स्पिनर्स आपने कम खिलाए होते, हम कहते कि यार इनका जैसा कहते हैं ना इनके साथ जाती है और इनके पास स्पिनर नहीं है, स्पिन ट्रैक है, स्पिन विकेट है, आपके पास 3-3 स्पिनर, चौथा जो रूट
टॉम हार्डली, जैक रिलीच, रेहान अहमद और जो रूट चार चार स्पिनर्स होने के बावजूद आपसे इंडिया वाले आउट नहीं हो रहे, इसका मतलब है इंडिया बहुत ही आउट क्लास किस्म की बैटिंग कर रहा है और आप इंतहाई गंदी किस्म की ना। आपको कहेगा बैटिंग करो, उसके बाद इंडिया ने तो बैटिंग करनी को नहीं, बैटिंग तो आपने करनी है। अब जडेजा ने जिस तरह की बैटिंग की है, उसके बाद केएल राहुल, देखो केएल राहुल की मिडिल ऑर्डर में जो परफॉर्मेंस है ना इंडिया की तरफ से बेटा, वो एक्सेप्शनल है। आज फिर उस बंदे ने असली मोमेंटम केएल राहुल ने इंडिया को दिया था, जब विकेट्स गिर गई थी दो बैक टू बैक, उसके बाद जो असली मोमेंटम था वो केएल राहुल की उस इनिंग्स ने इंडिया को दिया। और ये बात है इंडियन प्लेयर्स में, ये इंडियन टीम्स में ये बात है, बेटा वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, उनके लिए